एक बार फिर से कश्मीरी पंडित आतंकियों के टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। पूरन भट्ट अपने सेब के बागान में सेब तोड़ने जा रहे थे, मगर रास्ते में आतंकियों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि घाटी में कश्मीर पंडित कब सुरक्षित होंगे। कश्मीर में गम है, गुस्सा है, बेबसी है, आंसू थम नहीं रहे। यकीन नहीं हो रहा कि जो साथ था, सहारा था, अपना था, अब नहीं है। आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की आखिरी यात्रा में मानो पूरा जम्मू ही उमड़ पड़ा। सुबह से ही लोग जुटने लगे, मुश्किल घड़ी में हर कदम भट्ट परिवार के घर की ओर बढ़ रहे थे। आंखें नम थी, दिल में आक्रोश था, हर जुबान पर सवाल थे कि आखिर क्यों बार बार खून से लाल हो रहा है कश्मीर। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट का आखिर क्या कसूर था? क्या यही कि वो कश्मीरी पंडित थे? क्या यही कि वो अमन पसंद थे? क्या यही कि वो बेखौफ होकर अपने सेब के बागान में जा रहे थे? तो वो दिन में वो सेबों का काम करते थे। मैंने बोला ठीक है, और उसने पूछा मुझे बता और कहानी सुनाओ कुछ। मैंने बोला तो थका हुआ है तो तू सो जा, बस इतनी बात हुई थी, कल मैं फोन करूंगी। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जब से खबर मिली है बेसुध पड़ी है, बार बार रोने लगती है, और जब आंसू सूख जाते हैं तो निढाल पड़ जाती है। दोनों बच्चों को भी यकीन नहीं हो रहा कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं है। दोनों छोटे हैं, बेटी सातवीं में पढ़ती है और बेटा पांचवीं में। वह तो चरम पर ही था, लेकिन ये घाटी नहीं छोड़ी इसने, ये बिल्कुल वहां पर रहे और अपनी खेती बाड़ी करते थे, तो उसी पर लेवलीहुड इनका चलता था। इनके बच्चे फिर जब थोड़े बड़े हो गए, इनका बच्चा है तीसरी जमात में पढ़ता है और बेटी इनकी आई थिंक एट्थ में पढ़ती है। जब पीक पर मिलिटेंसी थी 90s में, ये नहीं निकले। अब इन बिचारों को, बच्चों का सोचो, गवर्नमेंट को इस पर दे हैव टू टेक द सीरियस नोट ऑफ इट। पूरन जी हम शर्मिंदा हैं, पूरन जी हम शर्मिंदा हैं। आतंकियों ने सेब की लाली के मशहूर शोपियां के सेब बागीचे में पूरन कृष्ण भट्ट को गोलियों से भून दिया। पूरन कृष्ण सेब तोड़ने में भाई की मदद के लिए शोपियां गए थे। कोविड के वक्त पूरा परिवार जम्मू आ गया था। अब सेब के सीजन में पूरन जम्मू से शोपियां आते जाते रहते थे। पूरन 3 दिन पहले ही शोपियां गए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक।